नमस्कार दोस्तों, ITC लिमिटेड के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.6% के क्लियर आपको तेजी नजर आ रहे हैं। तो उसी के साथ आप देख सकते हो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से स्टॉक एक ही जगह पर एक रेंज बनाकर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में यहाँ पे और भी तेजी आने वाला है या फिर स्टॉक में गिरावट आने वाला है। तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिएगा। दोस्तों ITC शेयर को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं वीकली टाइम फ्रेम पर। जब हम चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पर नोटिस कर रहे हैं तो देख सकते हो स्टॉक किस तरीके से यहां पर एक हायर है क्या कंडीशन बनाए के ऊपर बढ़ रहा है और ऊपर बढ़ते बढ़ते स्टॉक यहां पर हाई लगा 496। तो इसी लेवल को स्टॉक हाई लगाने के बाद स्टॉक लो लगा यहां पर 398। देन 398 को लो लगाने के बाद स्टॉक इस तरीके से ऊपर बढ़ रहे हैं। तो अगेन एक रेजिस्टेंस लेवल को यहां पर ब्रेकआउट किया और एक रेजिस्टेंस लेवल को यहां पर ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद आप देख रहे हैं कि मैं आपको फिर से डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूं ताकि आपको यहां पर और भी क्लैरिटी से समझेंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों आप देख रहे हो जब स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर बढ़ रहा था तो ऊपर बढ़ते बढ़ते स्टॉक ने यहाँ पर हाई लगा था 311, ठीक है। तो दोबारा स्टॉक नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ा। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक ऊपर बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, और वही आपको दिखाई दे रहा है। जो हमारे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, जो हमारे मतलब जो हमारे पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और कंटिन्यूसली हमें फॉलो करते हैं, हमारे वीडियो को रोजाना देखते हैं, तो उनको तो कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, फिर वो कभी भटक ही नहीं सकते। हाँ, मैं हर चीज़ में आपको पहले से बताता हूँ। आप मेरे कोई भी वीडियो अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर आपने ये बताया था वो गलत हो गया, ऐसे हो ही नहीं सकता है ना। जो चीज़ें होने वाला है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाकी विश्वास करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे भी मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता कि आप मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, नहीं। मैं बस एक नज़रिया दिखा रहा हूँ, अप्रोच दिखा रहा हूँ जो सही होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने है, जैसे कि मैं अभी अगर बताऊँ तो इस लेवल को जैसे ब्रेकआउट करेगा, जैसे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करेगा, संभावना भी है ऊपर जाने की। तो टारगेट की अगर हम बात करेंगे क्या क्या टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो देख सकते हो पहला टारगेट आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि 531 का है, दूसरा टारगेट 564, तीसरा टारगेट 596 और नेक्स्ट टारगेट 616। तो यहाँ पर दोस्तों सभी कंडीशन को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर लिया। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज़ बनाए गए। इस वीडियो के लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।